तो हेलो गाइस, वेलकम टू मई CYU 13 ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे हैं मुंबई के पाली हिल इलाके में। तो आज हम लोग आपको घर दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर कपूर एंड उनकी वाइफ आलिया भट्ट जी का नया घर। तो उनका ये नया घर कहाँ है, कितना प्राइस का है, हम सब कुछ कवर करके आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बनी रहिएगा। एंड मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड, अब हम पहुंच गए हैं रणवीर कपूर और आलिया भट्ट जी के घर के सामने। तो आप लोग ये 8 मंजिला आलीशान बिल्डिंग देख रहे हो, यही है आलिया भट्ट और रणवीर कपूर जी का नया घर। तो आप देख सकते हो इनका घर का काम एकदम जोरों से चल रहा है। ये बिल्डिंग का काम 3 साल से चल रहा था, लेकिन फिलहाल अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है। बस अब थोड़ा काम बाकी है और ये काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। पहले इस जगह पर एक छोटा सा बंगला हुआ करता था, लेकिन अब उस बंगले को तोड़कर ये 8 मंजिला एक आलीशान बिल्डिंग बनवा दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रणवीर कपूर और उनकी माँ नीतू कपूर आलिया भट्ट रोजाना आते रहते हैं अपने इस घर का काम देखने के लिए। तो आपको बता दें, पूरा 8 मंजिला बिल्डिंग है जो एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, जहाँ पर जल्द ही वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो पूरा घर का काम कितना जोरों से चल रहा है। तो आपको हम उनके इस घर के अंदर का भी वीडियो दिखाते हैं, आखिरकार इनका ये घर अंदर से कैसा डिजाइन का बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो घर के अंदर पूरा उड़न का यूज़ किया गया है और काफ़ी बड़े बड़े कमरे और टेबल और सजावट का पूरा सामान उड़न का ही बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में घर के दीवार पर वाइट पेंट के साथ कुछ डिजाइन भी किया जा रहा है। घर के अंदर का सीढ़ी भी उड़न का ही बनाया गया है और साथ में अंदर के दरवाजे भी सब उड़न के ही है। ऊपर से उनको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना आलीशान बनाया गया है इनका ये घर। साथ में इस घर में बड़े बड़े कांच के विंडो भी बनाए गए हैं और बालकनी में पूरा ग्रीनरी लगाया जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से इनका ये 8 मंजिला बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। तो फ्रेंड, आपको बता दें, पहले इस जगह पर ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू कपूर जी का एक पुश्तैनी घर हुआ करता था, जिसका नाम कृष्णराज बंगलो था। ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने 1980 में पाली हिल के इसी जगह में एक घर खरीदा था, जिसका नाम था कृष्णराज बंगलो।
ऋषि कपूर के माता और पिता राज और कृष्णा कपूर के नाम पर इस बंगले का नाम कृष्णा राज बंगलो रखा गया था। अब उस बंगले को तोड़कर इस आलीशान बिल्डिंग को बनाया गया है। यहाँ पर आलिया भट्ट, नीतू कपूर, रणवीर कपूर अपने पूरे परिवार के साथ रहने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको बता दें, इस घर का डिजाइन का काम खुद नीतू कपूर और आलिया भट्ट ही कर रही हैं। आपको बता दें, ये आगे वाला गेट जो है वो पहला गेट होने वाला है जहाँ पहले कृष्णराज बंगलो लिखा गया था, और दूसरा गेट इधर होगा, यानी कि इस बिल्डिंग में भी दो गेट बनाए जाएंगे। तो रोड के ये साइड में इनका वास्तु बिल्डिंग है जहाँ पर अभी आलिया भट्ट और रणवीर कपूर रहते हैं। तो चलिए उनका वो बिल्डिंग भी दिखाते हैं जहाँ अभी वो आलिया और रणवीर कपूर जी रहते हैं। With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. यहाँ से मात्र 10 मीटर की दूरी पर उनका 4BHK का अपार्टमेंट है। अब जल्द ही इस नए घर पे शिफ्ट होने वाले हैं, और आप देख सकते हो नए घर को किस तरह बनाया जा रहा है। इस घर का डिजाइन बहुत ही आलीशान तरीके से बनाया जा रहा है। देख सकते हो कृष्णराज बंगलो को अब 8 मंजिल बिल्डिंग में बदल दिया गया है। इसके सबसे टॉप फ्लोर में रणवीर कपूर की मां नीतू कपूर जी का घर होगा। दूसरा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट उनके बच्चों के लिए होगा। उसके नीचे एक मंजिल को पूरा ओपन ही छोड़ा जाएगा। जब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की बेटी राहा बड़ी होंगी तो वो स्पेस उनके लिए रहेगा। उसके बाद चौथी मंजिल पर पूरा रणबीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर और उनकी बेटी के लिए बनाया जाएगा। साथ में इस बिल्डिंग में एक फ्लोर पर पूरा स्विमिंग पूल सहित इंटरटेनमेंट के लिए भी होगा, और एक फ्लोर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू कपूर जी का ऑफिस होगा जहां पर वो स्क्रिप्ट सुनेंगे। उसके साथ इस घर में ऋषि कपूर के यादों में एक जगह भी बनाई गई है जहां पर ऋषि कपूर की जो भी यादें होंगे उसे दीवार पर लगाया जाएगा। मतलब उनका पेंटिंग, उनकी फ़ोटो, पूरा स्पेस ऋषि कपूर के लिए ही दिया जाएगा। तो फ्रेंड आपको बता दें, रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता लोकप्रिय फिल्म सितारे ऋषि कपूर है, और माता नीतू सिंह है, और रणबीर कपूर की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है रिधिमा कपूर, जो एक फैशन डिजाइनर है। रणबीर कपूर पृथ्वीराज कपूर के पर पोते हैं और फिल्म निर्माता राज कपूर के पोते हैं। करिश्मा कपूर और करीना कपूर इनकी चचेरी बहन है। साथ में आपको बता दें, निखिल नंदा उनका फुफेरा भाई है। 14 अप्रैल 2022 को रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। रणबीर कपूर एक पंजाबी वंश के हैं जिनका जन्म हिंदू पिता सिख माँ से हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बम्बई स्कॉटिश स्कूल में की है। तो फ्रेंड आपको सभी को पता ही होगा, रणवीर कपूर एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देते हैं। संजय लीला भंसाली की रोमांटिक लव स्टोरी साबरिया 2007 में सोनम कपूर के साथ अभिनय की शुरुआत करने से पहले उन्होंने आप लौट चले 1999 और ब्लैक 2005 में फिल्मों में एक सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर का शुरुआत किया था। इनका इस बिल्डिंग का गेट नंबर 1 इधर होने वाला है जो आपको सामने दिख रहा है, और गेट नंबर 2 इधर पीछे साइड में होने वाला है। इस बिल्डिंग में 2 गेट बनाए जाएंगे, और ये पूरा बिल्डिंग 8 मंजिल का है जहां पर रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और उनकी मां नीतू कपूर इस घर में साथ में रहने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको पता ही होगा कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो दोनों काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता और अभिनेत्री हैं। रणबीर कपूर की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो उनका टोटल नेटवर्थ करीब 380 करोड़ है। उसके अलावा मुंबई के पाली हिल में उनका एक वास्तु बिल्डिंग में 4BHK का आलीशान अपार्टमेंट है जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ है। साथ में रणबीर कपूर ब्रांड इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। एक ब्रांड के लिए रणबीर कपूर 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, और मूवी के लिए बात करें तो ये मूवी के लिए 10 से 20 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। अगर इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो रणवीर कपूर के पास पहले से ही रेंज रोवर मर्सिडीज है जिसकी कीमत लगभग 1.6 करोड़ है। इसके अलावा रेंज रोवर स्पोर्ट भी है जिसकी प्राइस है 87 लाख, और मर्सिडीज टॉप क्लास भी है जिसकी प्राइस है 2.5 करोड़, और कई लग्जरी गाड़ी शामिल है। तो फ्रेंड आपको बता दें, संजू जैसी फिल्म करने के लिए रणवीर कपूर 50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। पर स्टूडेंट ऑफ ईयर में काम करने वाली, 2012 में डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट जो रणवीर कपूर की बीवी हैं, अगर उनका टोटल नेटवर्थ की बात करें तो उनका टोटल नेटवर्थ 180 करोड़ है। आलिया भट्ट एक फिल्मों के लिए लगभग 7 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, और ब्रांड इंडोसमेंट के लिए 2 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अगर आलिया भट्ट की कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास ODQ7, ODQ5, ODA6, BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर जैसी कार शामिल है।
तो फ्रेंड आप देख सकते हो यही है इनका न्यू कृष्णा राज बिल्डिंग, जो 8 मंजिला बिल्डिंग बनाया गया है। और यहाँ पर इनका इस घर का अंदर का काम जोरों से चल रहा है। जल्द ही इस बिल्डिंग में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और उनकी माता नीतू कपूर जी रहने के लिए आ जाएंगे। पहले यहाँ पर एक बंगला हुआ करता था, उस बंगले में ऋषि कपूर जी अपनी पत्नी नीतू कपूर जी और बेटे रणबीर कपूर के साथ रहा करते थे, लेकिन उस बंगले को तोड़कर अब 8 मंजिल का आलीशान बिल्डिंग बनाया गया है। देख सकते हो आप लोग सामने से इस बिल्डिंग का नज़ारा कितना शानदार और सुंदर है, जहाँ पर हर एक बालकनी में ग्रिल लगाया गया है। जो भी बालकनी का स्पेस है ग्रीनरी रखने के लिए उसे बनाया गया है। तो यही है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया वाला आलीशान घर, जो कि मुंबई के पाली हिल में स्थित है। यही है उनका घर का मेन गेट, जहां पर पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था और वहां पर कृष्णराज बंगलो भी लिखा गया था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। तो अब पूरी फैमिली इसी घर में शिफ्ट होने वाली हैं, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और उनकी माता नीतू कपूर जी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल CYU13 ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate.